رحم الله من قرأ الفاتحة اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميع الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم صلوات محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد بعض مؤمنین نے دعائیں صحت کے لیے گزارش کی ہے اور غالباً بعض پرچے مرحومین کے اِسال ثواب سورہ فاتحہ کے لیے ہیں اور ایک مومنہ یہیں موجود ہیں اور بہت زیادہ علیل ہیں نیاز بانو لکھنؤ سے ہر سال کی طرح آئی ہیں بیمار ہیں دعا کروا دیں میں تمام مریضوں کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ پانچ بار آیہ شفا کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات بحق الشهيد إن شاء الله صلوات محمد وآل محمد
एक सूरह फातिहा की गुजारिश है, तीन बार सूरह इखलास और एक बार सूरह हम पढ़ें, और इन पर्चों में जितने भी मरहूमीन के नाम हैं, अब मैं एक एक करके तो नहीं पढ़ पाऊँगा, खुदावंद आलम नीयतों से वाकिफ़ है और वो भी जानता है कि इसमें किसके नाम हैं। आप सबकी नीयत करके एक सूरह फातिहा पढ़ें। एक सलावात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुसलसल आप हजरात मजालिस समात फरमा रहे हैं और जाहिर है कि एक अज़ा का माहौल, अय्याम अज़ा का जैसा माहौल यहाँ बन जाता है। ये शहीद के खून नाहक का असर है कि दूर दराज से मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, अपनी मुरादें लेकर आते हैं। इस शहीद का जो अहले बैत की बारगाह में जो इनकी मंजिलत है, जो इनकी जलालत है, और अल्लाह की बारगाह में ऐसे बंदों की जो वजाहत है, उसके हवाले से और उसके वसीले उसके तुफैल में आप सबकी हाजतें पूरी होती हैं। वरना ये इस मज़ार पे ये रौनक और ये गहमा गहमी कि जैसे कि अलग से लगता है कि ये मज़ार एक शहर आबाद है। आपने अभी मुकम्मल और मुफसल जांसोज मसायब सुने, जाहिर है कि इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि तमाम जाकिरीन इतना वक्त ले सकें, और ज़ोहर का वक्त भी करीब है। मैं हुसूल सवाब की खातिर हाज़िर हो गया, रात ही में आ गया था 2 बजे। बहरहाल ज़ाकरीन की फहरिस्त में मेरा भी नाम है और खुदावंद आलम हमारी और आपकी ये इबादतें इंशाअल्लाह कबूल फरमाए, दूर दराज से आने वाले, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो शुरका हैं वो गरीबुल वतन है, और गरीबुल वतनों का मातम और उनके दर्द का एहसास गरीबुल वतन ही कर सकते हैं। पढ़ना तो चाहता था बहुत कुछ, लेकिन बहरहाल वो माहौल अब नहीं है, क्योंकि आप भी इंसान हैं और थक जाते हैं धीरे धीरे। जो मुनासिब होगा और जहाँ तक आप साथ देंगे थोड़ा सा इंशाल्लाह। मैंने आयतुल कुर्सी के दरमियान से 2 फ़िक्रे कलाम रब्बानी से मुंतखब किए, जिसका तर्जमा यह है कि ला इकराह फिद्दीन, खुदावंद आलम अपने दीन के मिजाज का तारुफ करा रहा है कि देखो मेरे दीन में न कोई इकराह है, न कोई जबर है, न कोई ज़बरदस्ती है। सोच लो, समझ लो, परख लो, और अगर हल्क से उतरे तो मान लो। यहां कोई जबर नहीं है, कोई इकराह नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी भी मुल्ला और किसी भी धर्म के मजहब के ठेकेदार को यह हक नहीं है कि वो अल्लाह के दीन को जबरन जबरदस्ती किसी से मनवाए और उस पर थोपे। कोई अल्लाह से ज्यादा अल्लाह के दीन का मुखलिस न बनने की कोशिश करे। ये शहीद इसी मजहबी और मजहबी तशद्दुद का निशाना बने थे, ये उसी दहशतगर्दी का निशाना बने थे कि जो तारीख इस्लाम तो नहीं कहूंगा बल्कि मुसलमानों की तारीख में एक बहुत ही शर्मनाक
और तारीख बाब है यानी मजहबी तशद्दुद, अगर मुझे नहीं मानोगे तो जीने का हक नहीं। इसी सब पे खुदावंद आलम साफ बयान कर रहा है कि देखो मेरे दीन का मिजाज यह है कि उसमें कोई जबर नहीं है, क्योंकि अल्लाह को अपने इल्म अजली से मालूम था कि अनकरीब मेरे दीन में कुछ ऐसे नामहरम मेरे लिबास दीन को पहन के दाखिल होने वाले हैं, कुछ ऐसे दोस्त नुमा दुश्मन, कुछ ऐसे गंदुम नुमा जौ फरोश, कुछ ऐसे के जो मेरे दीन के लिबास में जुब्बा दस्तार, सर पे पगड़ियां भी होंगी, लंबी लंबी अबाएं और कबाएं भी होंगी, पेशानी पे सजदों का नक्शे जली भी होगा, हाथ में तस्बीह भी होगी, जेरे लब जो है वो होठों में दब के टूट गई ज़र्बे ला इलाह का मंजर भी होगा। यानी मुख्तसर यो समझ लो कि ऐसे भी कुछ नामहरम घुसपैठिए मेरे दीन में होंगे कि जिनकी हर जाहिरी अदा तो इस्लामी होगी मगर मुस्लिम नहीं होंगे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ऐसों को एक्सपोज करने के लिए खुदावंद आलम ने कहा कि भाई देखो मेरे दीन में जबर नहीं है, अब मेरे दीन का लबादा पहन के और जाहिरी अदाओं से अपने को आरास्ता करके अगर कोई मेरे धर्म मेरे दीन का अपने को ठेकेदार कहे तो बस इस फार्मूले को फिट कर लेना कि मेरे दीन में जबर नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। अब जहाँ जहाँ दहशतगर्दी और जबर और ज़बरदस्ती नज़र आए, चाहे जितनी लंबी दाढ़ियाँ हो, समझ लेना कि मेरा दीन नहीं है वहाँ। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुनांचे खुदावंद आलम साफ अपने दीन का मिजाज फरमा रहा है कि ला इकराहा फिद दीन, देखो मेरे दीन में कोई जबर नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिन अल-गय्य, मुझे जबर करने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि रुश्द हिदायत और कजरवी और गुमराही साफ साफ रोशन और आश्कार होके एक दूसरे से जुदा हो चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, अब कोई दलील की जरूरत नहीं है। यानी गुमराही और हिदायत एक दूसरे से साफ साफ रोशन होके जुदा हो चुकी, साफ साफ नजर आ रही है। फमन यकफुर बिताऊत वही उमिन बिल्ला, अब ये खुदावंद आलम हक को बातिल में, यानी ऐसा बातिल के जिस पे हक की का शुभा होने लगे, उसकी अय्यारी और मक्कारी और फनकारी की वजह से वो लिबास हक में नजर आए, अदाएं हक की इख्तियार करे, मगर अंदर से वो बातिल हो, अंदर से वो शैतान हो, तो ऐसे के मिजाज और दीन के लिए खुदा फार्मूला पेश कर रहा है कि फमन यकफुर बिताऊत, तो अब जो तागूत का कुफ्र करे, इनकार करे, यानी शैतान और शैतानी कुवतों, हद से बढ़ जाने वाली मुजरिमाना मुतजाविज, अपने हदूद से बढ़ जाने वाली मुजरिमाना कुवतों का जो कुफ्र करे, जो इनकार करे, जो रद्द करे, जो कंडम करे, वह युमिन बिल्लाह, और फिर अल्लाह पर ईमान लाए, तो बच्चों है कि नहीं है, यानी पहले कुफर इख्तियार करे खिलाफ खुदा, खासान खुदा के जितने खिलाफ कुवतें हैं, मुजरिमाना कुवतें जिसे तागूत कहा गया है, पहले उसका कुफर करे फिर अल्लाह पे ईमान लाए। फकद इस्तमसक बिल-उरवतिल वुस्का, तो फिर उसी ने उस रीस्मा ने हिदायत को थाम लिया है कि लम्फसाम लहा, के जिसमें इन्फसाम नहीं है, जो कभी टूटती नहीं है हिदायत की रस्सी, जो डिसकंटिन्यू नहीं होती, जो ब्रेक नहीं होती, वो हिदायत की रस्सी जो उस जब से कायम है वो आज भी मुसलसल वो रस्सी मौजूद है। वल्लाहु समीउन अलीम। तो अब यहाँ पे खुदा साफ साफ फार्मूला बता रहा है। हमसे कहा जाता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कीजिए, क्या जरूरत है इधर उधर की बातें छेड़ने की,
क्या जरूरत है किसी और का जिक्र करने की? तो हम कहेंगे कि भाई ये फार्मूला जरा अपने अल्लाह मियां को भी बताओ। भाई खुदा वंदे आलम कह रहा है उर्वाए उसका जब मानी जाएगी कि थामा है, जब आदमी हिदायत याफ्ता होगा, दीन का मिजाज और दीन का सलीका, अकायद का सलीका सिखा रहा है कि खुदा वंदे आलम कह रहा है कि ईमान बिल्ला बाद में कबूल होगा, पहले तुम्हें कुफर करना पड़ेगा, तागूत का इनकार करना पड़ेगा। तुम इस्लामी अकीदे का मिजाज ये है कि यहां बात शुरू ही होती है नेगेटिविटी से। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो बच्चों फरमा रहे हैं जाहिर के मुझे खिताबत की हसरतें नहीं दिखाना है, आया हूं तो फहरिस्त ज़ाकरीन में नाम है, दर्ज किया गया है, तो हुसूल सवाब की खातिर आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, वरना यहाँ कौन सा आपसे हमें तमगा लेना है या हमें आपकी समात का मेयार यहाँ पर रखना है। अलग अलग आपके शहरों में समातें आपकी दिखाई देती हैं और खिताबतें भी होती हैं, यहाँ तो हर एक बस आता है अपना नाम दर्ज हो जाए और शहीद के तवस्सुत से उसको शफात मिल जाए और अल्लाह की कुर्बत मिल जाए। उनका हक जो हम पर है, जो शीयत के ऊपर उनका हक है, वो थोड़ा सा अदा हो जाए। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पानी रखा हुआ है भाई यहाँ पर, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो का तालिब हूं, तो आप खुदा वंदे आलम फरमा रहे हैं कि फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का कुफर करे, इनकार करे, वयोमिन बिल्लाह, और फिर अल्लाह पे ईमान लाए। इसका मतलब यह है कि पहली शर्त है एक मुवहिद और मुस्लिम और मोमिन होने की कि पहले कुफर तागूत करे, फिर अल्लाह पर ईमान लाए। अब आपको जो लोग काफिर कहा करते हैं तो भाई बुरा ना माना करिए, ना काफिर होना कोई ऐब है, ना मोमिन होना कोई हुनर है, काफिर और मोमिन मेयार नहीं है। देखा यह जाएगा कि किसका काफिर है और किसका मोमिन है। सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह मेयार नहीं है कि काफिर है कि मोमिन है। भाई कुरान में मोमिन को भी काफिर कहा गया है, काफिर को भी मोमिन कहा गया है, तो मेयार जो है वो काफिर और मोमिन नहीं है। खुद यही इसी आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि फमन यकफुर बित्तागूत, यानी मोमिन की पहचान यह है वो काफिर होता है तागूत का, बेदार है कि नहीं है, यानी इनकार करने वाला। और शायद यहीं से आपको राफिजी कहा गया है। हाँ, हमें फख्र है कि हम राफिजी हैं, इसलिए कि हमने किसी तागूत को नहीं माना। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं जाहिर है कि बहुत ज्यादा गहराई में बयान को नहीं ले जाना चाह रहा हूं, इसलिए कि मुझे बहुत आपका वक्त नहीं लेना है, और जाहिर है कि यह माहौल इसी तरह से होता है कि आप आसानी से सुने और आसानी से समझे और आसानी से वक्त जो है वो गुजर जाए। लिहाजा मैं अहम अहम बातें आसान लहजे में अर्ज करना चाह रहा हूं अपनी आदत से हटकर। फमन यकफुर बित्तागूत, जो कुफर करे तागूत का, वयुमिन बिल्लाह, और फिर अल्लाह पे ईमान लाए, फकद इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्का, तो उसने उरवाए वुस्का को थाम लिया कि जिसमें इंफिसाम नहीं है, जो टूटती नहीं है। भाई बेदार है कि नहीं है? अभी शहीद का तबसरा, उनके इल्मी कारनामों पे तो बड़े बड़े सेमिनार होने चाहिए, मजलिसों में इतना वक्त नहीं होता है कि मैं अर्ज करूं। उनकी किताबें तो मैं मस्तुल वाइजीन में पढ़ाता रहता हूं, पढ़ा चुका हूं, तो अब उसके लिए एक अलग से वक्त चाहिए। मगर मैं उनके ईमान और अकीदे और रिश्ते अहले बैत और विलायत अली और हुसैन की आज़ादारी और इस्मत खानदान इस्मत और तहारत से उनकी जो मोहब्बत और अकीदत और जो फनाफिल हुसैन थे, वो फना फी अली थे, यानी जाते अहले बैत में अपने को फना कर दिया था। लिहाजा अल्लाह ने सनद भी दी है वही, वरना कितने गुजर चुके हैं मोमिनीन मगर उनका नाम भी नहीं लिया जाता। वजह बता दे क्या है भाई? आखिरी मोहर काहे पे लगी है ये देखा जाएगा।
तवज्जो है कि नहीं है, यानी हदीस में एक मुकम्मल बाब है खवातिमुल उमूर, यानी अंजाम कहां पे हुआ, आखिरी जमाना कहां है पे गुजरा, बेदार है कि नहीं है। लिहाजा हदीसों में कहा गया है कि बड़े मुत्तकियों परहेजगार और बड़े आबिद शर्मिंदादार और बड़े बाकिरदार शख्स को भी देख के तुम ये फैसला न कर दिया करो कि ये जन्नती है, तुम्हें क्या मालूम कि आखिरी वक्त में किस हाल में गुजरेगा। तवज्जो है कि नहीं है। और किसी अच्छे जिसका अच्छा किरदार ना हो, अयूब हो उसके अंदर, उसको समझाओ, इसलाह करो, तबलीग करो, उसके बुरे फेल से राजी ना हो, मगर तुम फैसला न कर देना कभी कि यह जहन्नमी है। जगह तुम्हें क्या मालूम कि आखिरी लम्हा और नामे आमाल किस मोहर पे खत्म होने वाला है। कभी ऐसा भी देखा गया है कि बड़े बड़े अकीदे और अमल वाले आखिरी वक्त में अल्लाह से बदगुमान होके दुनिया से उठे, और ऐसा भी देखा गया है कि उतना अच्छा किरदार नहीं था मगर अंजाम ऐसा बखैर हुआ कि तौबा किया, इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह से मिल गया जाकर। बेदार है कि नहीं है। तो आखिरी जिंदगी की आखिरी मोहर में यार है। बेदार है कि नहीं है। अब फकत एक हवाला देता हूं, इस शहीद की 160 किताबें आयतुल्लाह मराशी ने जो मुलहकाते हकाकुल हक लिखी है, आयतुल्लाह मराशी जिनका दुनिया में चौथे नंबर पे को तो खाना है कुम में, सैयद शहाबुद्दीन मराशी इतना मुत्तकी और परहेजगार और इतने बुलंद लेवल का कि मासूम है कुम के रोजे पे जाके कहते हैं, हम लोग कहते हैं अस्सलाम अलैकी या बिनता रसूलुल्लाह, वो कहते थे अस्सलाम अलैकी या अम्मता, ऐ फूफी आप पर मेरा सलाम। इतना बड़ा आलिम, उन्होंने हकाकुल हक के फुटनोट्स और मदारिक लिखे हैं, हवाले लिखे हैं, क्योंकि यह किताब शहीद ने तकय्ये के हालत में लिखी थी। वाकई आपको मालूम है इसमें अकायद भी हैं, उसूल अकायद भी हैं, फरूए दीन भी हैं, फलसफा भी है, इल्मे कलाम भी है, फिकी बहसें भी हैं, और इतनी पाबंदियों के बाद यह मोजजा है खतीब का कि वैसी किताब कोई ना लिख सका। यानी कुतुब खाने और किताबों के झुरमुट में गुलसिता में बैठकर आराम व आसाइश और चाय और कॉफी की चुस्कियां लेकर आराम के साथ भी ऐसी किताब अच्छे अच्छे लोग न ले सके। मैं इस पर तबसरा बाद में करूंगा, मगर सुने, मौत का शहादत का सबब क्या हुआ सबको मालूम है, यहां जितना मजमा आ रहा है इतने साल से सुन रहे होंगे, किताबों में पढ़ा होगा, विलायत अहले बैत मजहब तशय्यो तखय्ये के हालत पर सारे काम करते रहे। अब आखिर में जब ये राज खुला तो बरसरे दरबार उन्होंने एलाए कलमा हक किया। बेदार है कि नहीं है। इल्जाम यही था कि राफिजी है, यानी फला 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 का मुनकिर है। बेदार है कि नहीं है। तो हमें वाकई में यही मिला कि कबले शहादत उन्होंने विलायत अली का इकरार भी किया, बेखौफ तकिया उठा दिया और दुश्मना ने अहले बैत से बरात का ऐलान भी किया, उसके बाद शहादत मिली। तो आप कुरान की आयत से और अमल शहीद से मिला के नतीजा क्या निकला? कुरान कह रहा है फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो काफिर और तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए। बेदार है कि नहीं है। अल्लाह ने कहा कि मोमिन, भाई तवज्जो, मोमिन के हयात ईमानी का आगाज होता है बरात से। शायद मेरी बात नहीं पहुंची। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, आयत में अल्लाह फरमा रहा है पहले तागूत का कुफ्र, फिर अल्लाह पे ईमान। बेदार है कि नहीं है। यानी अकायद की इब्तिदा होती है मोमिन के हयात ईमानी की इब्तिदा होती है कुफ्र तागूत यानी बरात से।
फिर अल्लाह पे ईमान लाता है। शहीद ने आखिरी जिंदगी में तरतीब उलट दी, पहले विलायत अली का इकरार किया, फिर बरात का ऐलान किया, तो नतीजा ये निकला कि मोमिन की जिंदगी का आगाज भी बरात से होता है, अंजाम भी बरात से होता है। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावात से और नवाज पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि जहरा को राजी करना चाह रहे थे तो अल्लाह राजी है। बच्चों है कि नहीं है? उसी दहशतगर्दी का निशाना बने शहीद कि जिसके लिए अल्लाह अपने दीन को बता रहा है कि यहां जबर नहीं है। कोई मुल्ला मेरे दीन का मुझसे ज्यादा मुखलिस बनने की कोशिश ना करे। ये जब दहशतगर्दी 1400 साल से मुसलमानों की मीरास बनी हुई है, ये अल्लाह मियां के पड़ोसी, ये तौहीद इबलीसी के परस्तार, ये कमजर्फ पिलक्कड़ जो अद्धा पी के 12 बोतल का नशा दिखाने वाले, तवज्जो है कि नहीं है? ये पूरी तारीख है जिसे एक्सपोज करना जरूरी है। आज आप तारीख से तारीख मिला के देख लें, खुदा कह रहा है कि लायक रहा फिद्दीन, कोई जबर नहीं है। इस गुंबद बेदर में खुदाए बेनियाज की सदाए बासकश गूंज रही है कि बगैर परखे हुए मुझे भी सजदा न कर, जब तक मेरी अहलियत को परख न ले मेरे आगे मत झुक, मुझे तेरे खोखले सजदे बेमारिफत के शैतानी सजदे नहीं चाहिए, मुझे तेरे बार बार के मुल्लायत के सजदे नहीं चाहिए, मुझे तेरा एक ऐसा सजदा बेनियाज एक सजदा चाहिए कि सर रख तो इख्तियार से मगर उठाना इख्तियार से। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है कि नहीं है? भाई मुझे सजदों की कमी नहीं है, मुझे अकीदत मंदों की मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। अरे सारी कायनात मेरे आगे सरबा सुजूद है, मलाइका करुबीन भी मुझी को सजदा कर रहे हैं, हामिलान अर्श भी मुझी को सजदा कर रहे हैं, जर्रे बेमाया हो तो मेरे आगे सजदा रेस, आफ्ताब आलम ताब हो तो मेरे आगे सजदा रेस, माहियान आब हो तो मेरे आस्था पे सरबा सुजूद। ये साहिल से मौजे सर नहीं पटक रही है बल्कि पसे पर्दे जंगारी छुपे हुए माशूक का खिराज बंदगी पेश कर रही है। ये दोषे हवा पे शमी में गुल जो सफर करके तेरे मशा में जा को मुअत्तर कर रही है, ये हकीकत में मेरे ही सजदे की तलाश में है। ये संगलाख मादर गेती के सीने को शगाफ्ता करके जो बीच से कोपल निकल के ऊपर की तरफ का रुख कर रही है, ये किसी साहेब उलू की तलाश रजा में है। और ये पहाड़ों के दर्रों में जो गुनगुनाती हुई नसीमे सहरी तेरे जौके नगमगी और मौसीकियत को तस्कीन दे रही है, ये हकीकत में उसी की मोहब्बत के तराने पढ़ रही है। वो गर्दिश सैयारा हो या गर्दिश अफलाक हो, वो सभी दर मस्जूद की तलाश में है, वो अर्ज़े सुफला हो या अर्शे ओला हो, सभी उसी पसे पर्दे जंगारी छुपे हुए माशूक और महबूब की तलाश बंदगी में है। मुझे सजदों की कमी नहीं है मगर आए इंसान फर्क पहचान ले, ये कायनात जो है वो इख्तियार सजदे कर रही है मगर मैंने तुझे अक्ल दी है, जौहरे अक्ल दिया है, अच्छाई बुराई की तमीज की है, दो अच्छों में कौन ज्यादा अच्छा है ये परखने की सलाहियत दी है, दोनों बुरे लोगों में कौन ज्यादा बुरा है ये हमने परखने की सलाहियत दी है, तो मुझे तेरा सजदा इख्तियारी चाहिए। बे इख्तियार तो सारी कायनात मुझे सजदा कर रही है। एक सलावात करें मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेअख्तियार तो सारी कायनात मुझे सजदा कर रही है और देख कि जल्दी न कर मेरे आगे झुकने में,
पहले मेरी अहलियत को परख ले, इसलिए कि बगैर परखे हुए जो मेरे दीन में दाखिल हुए, जरा अपनी तारीख पढ़ के देख। ये तो तेरा मिजाज है ना कि जो बहुत जल्दी अकीदत मंदी पैदा करता है वो उतनी ही जल्दी बदगुमान भी हो जाता है। जरा तारीख उठा के देख कि जो बहुत जल्दी बगैर परखे मेरे दीन में घुस गए, शामिल हो गए जल्दी जल्दी कलमा पढ़ के अपनी मुस्तकबिल साजी और सियासत में, तो तुमने देखा नहीं कि जब मैदानों में मुसीबत का वक्त पड़ा तो जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी भाग भी गए। भाई एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान बगैर परखे मेरी अहलियत को परखे बगैर मुझे न मान, मुझे फकत मान लेने में मजा नहीं आता बल्कि मेरी कदरदानी कर, यानी जिस मेयार का मैं हूं मुझे उस मेयार का मान। अगर मेयार से गिरा के माना तो तू बहुत बड़ा बदसौक है, मैं राजी नहीं हूं। भाई बेदार है कि नहीं है? यानी अल्लाह कह रहा है मेरी अहलियत को परख के मान, जबरदस्ती मुझे न मान। कोई एक आवाज तो ऐसी आती कि जो इंसानियत की अंजुमन की आबरू रख ले ली, यानी जिस लहजे में अल्लाह बेनियाजी का इजहार कर रहा है कि मेरी अहलियत को परखे बगैर न मान, न जन्नत की लालच में न जहन्नम के खौफ में। भाई मुझे मेरे लिए सजदा कर, जन्नत अन्नत तो तेरे कदमों में आएगी। तवज्जो है कि नहीं है? ये ताजराना और गुलामाना इबादत न कर, मुझे परख के मुझसे मोहब्बत करके मान, ताकि गला भी कटे तो बदगुमान ना हो। भाई एक आवाज तो गूंजती तो इंसानियत की रहबरी और नुमाइंदगी में एक आवाज गूंजी, ये आजादों के इमाम अली की आवाज थी। भाई माशाल्लाह सभी मानने वाले मौला के यहाँ बैठे हुए हैं, हम क्यों अली से अकीदत लेते हैं? तौहीद क्यों अकायद हमने अली से लिए? क्यों हम अली ही को मुकम्मल दीन समझते हैं? अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है कोई मुरव्वत न कर बगैर मेरी अहलियत के, यानी मैं अगर हूँ अहल तेरे सजदे का तो बंदगी कर, वरना जा जहां दिल चाहे अपने मुकद्दर को फोड़। अली की आवाज आई उसी लहजे में जिस बेनियाजी के लहजे में अल्लाह कह रहा था कि परख के मान, मुरव्वत के सजदे नहीं चाहिए जबरदस्ती वाले। इमामुल अहरार आजादों के इमाम अली ने अल्लाह से उसी लहजे में मुखातिब होके कहा कि मा अबतक खौफम मिन नारिक वला शौकन इला जन्नतिक वल वजतों का अहलन लिल इबादत अबतक। ए मेरे बेनियाज पैदा करने वाले सुन ले, अपने बंदे आजाद का लहजा तमकनात कि न तेरी जन्नत के शौक में सजदा किया। मैं सुने ये आपके अली मौला का आपका फार्मूला दिया हुआ है बंदगी का मेयार, न तेरी जन्नत के शौक में सजदा किया, न तेरे जहन्नम के खौफ में सजदा किया, बल्कि मैंने तुझे डायरेक्ट परखा है और तुझे अहल पाया है कि मेरा जैसा बंदा अली तेरे आस्ताने पे झुके तो तेरी बंदगी मैंने की है। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावात से हिम्मत अफजाई फरमा दे माशाल्लाह। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी कदर को पहचान,
मुझे मानना है तो मुझे मेरे मेयार से मान, मुझे मेरे मेयार से गिरा के ना मान, वरना मानता तो मुशरिक भी मुझे है मगर मेयार से गिरा के मानता है। तवज्जो है कि नहीं है? मुझे तेरे बेमारिफत के खोखले सजदे नहीं चाहिए। अपनी कसरत सजदा पे और इतराने वाले मुल्ला के जिसे बड़ा चस्का लगा हुआ है जाहिरी सजदों का, अरे तू कितने भी सजदे कर ले इबलीस से बड़ा सजदा गुजार तो नहीं है। इबलीस से बड़ा तो सजदा गुजार नहीं है जिसने अपनी जबी में तड़पते हुए सजदों की किश्तजार बना दिया था मेरे अफलाक के चप्पे चप्पे को, मेरे आसमानों पे अपने सजदे बो दिए थे जिसने। इतना बड़ा सजदा गुजार मगर वो अपने खोखले सजदों से मेरे भोले भाले मासूम फरिश्तों को तो धोखा दे सकता था मगर मुझ आलिम अजली और अबदी से उसके फरेबी सजदे कैसे छुप जाते। वो सजदे कर कर के मुस्तकबिल साजी की तलाश में था, वो सजदे इसलिए कर रहा था कि ये सजदे बाद में काम आएंगे। ये सजदे कर लो, ये कलमा पढ़ लो, भाई तवज्जो है कि नहीं है? ये जरा सा बाद में बड़े काम आएंगे। वो अपने खोखले सजदों को भुनाना चाह रहा था मगर मेरी मशीयत भी देख देख के उसकी मुनाफिकाना अदाओं को मुस्कुरा रही थी। वो मुस्तकबिल साजी कर रहा था और मेरा पंजे मशीयत अपनी शिकार की तलाश में था मगर मेरा अदल आड़े आ रहा था कि मैं जुर्म के जाहिर होने से पहले जुर्म की सजा नहीं देता। भाई यही तो मेरी अदालत का मिजाज मेरे रसूल में भी था। अगर कोई मुनाफिक बाद में एतराज मेरे रसूल पे करे कि जब मालूम था कि फला 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 बाद में ऐसा वैसा जैसा तैसा करने वाले हैं तो इतना करीब क्यों बुलाया था, तो फिर उसको मैं जवाब दूंगा कि जब अल्लाह मियां को भी मालूम था कि शैतान इनकार सजदे आदम करने वाला है तो इतना करीब क्यों बुलाया था। जो वहां का जवाब है वही यहाँ का जवाब है। सलावात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मिलजुल के सलावात पढ़े रात भर का सफर करके और जागा हुआ हूँ और मैं ये नहीं बता सकता कि आपसे कि मैं किस कैफियत में मजलिस पढ़ रहा हूँ। बहरहाल एक सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह अच्छा खासे लोग हैं, आप मिलजुल के सलावात पढ़े तो आवाज गूंजे यहाँ। वो सजदे कर रहा था और हमने जो है उसके खोखले सजदे का इम्तिहान लिया। इतना बड़ा सुपर तौहीदिया, इतना बड़ा मेरा मुखलिस के बस मेरा सजदा नहीं, गौर फरमा रहे, इतना बड़ा मेरा हमदर्द के दरमियान में किसी वसीले का ख्याल नहीं, बड़ा मेरा मुखलिस बस तेरा सजदा। मैं समझ रहा था क्या करने वाला है तो मैंने भी उसके सजदों का भरम खोलने के लिए एक्सपोज करना चाहा। भाई हर करीब बुलाने वाले को यह ना समझो कि बड़ा करीब है, कभी करी कभी कभी करीब इसलिए बुलाया जाता है कि बहुत दूर भेजना है। जैसे फुटबॉल करीब ना हो तो शॉट अच्छी नहीं लगती। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मैंने भी उसके खोखले सजदे का इम्तिहान लिया, तवज्जो, और अजब मेरा इम्तिहान था। मेरे इम्तिहान का मिजाज है कि जिसे जिस लाइन में बड़ा गर्रा हो, बड़ा चस्का हो, जो जिस लाइन का बड़ा माहिर हो, हम उसी लाइन से उसका इम्तिहान भी लेते हैं। आलिम का इल्म से इम्तिहान, मुत्तकी का तकवे से इम्तिहान, मालदार का सखावत से इम्तिहान,
बहादुर का जो है शुजात से इम्तिहान, उसे जो है वो अपनी इबादत और बंदगी और सजदों में बड़ा नाज था, तो मैंने भी उसका इम्तिहान सजदे ही से लिया। मैंने भी उसका इम्तिहान सजदे से लिया। उसे अपने बड़े सजदों पे नाज था, उसे बड़ा चस्का लगा था सजदे का, बेदार है कि नहीं है। और हमने सजदे से इम्तिहान लिया और अजब टिपिकल इम्तिहान लिया, अजब टिपिकल इम्तिहान लिया। पहले सजदों में इम्तिहान न लिया, बीच के सजदों में इम्तिहान न लिया। वजह यह है कि जब इम्तिहान ले लो तो सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और जब कोई सनत याफ्ता हो जाए तो सनत का बड़ा मिसयूज करेगा। लिहाजा मैं इम्तिहान शुरू में नहीं लेता, मैं आखिर में लेता हूँ इम्तिहान। बेदार है कि नहीं है। मेरे इम्तिहान का मिजाज यह है कि मैं शुरू में नहीं, मैं आखिर में इम्तिहान लेता हूँ, कि जिसके बाद किसी बहाने किसी उज्र का इम्कान न रह जाए। मैंने आसमानों पे फरिश्तों का इम्तिहान लिया, इबलीस का इम्तिहान लिया। पहले सजदे में नहीं, आखिर में, इब्तिदा में नहीं, इंतहा में। मैंने जमीन पे जो है वो मुसलमानों का इम्तिहान लिया, मैंने इब्तिदा में नहीं इंतहा में लिया। मैंने जुल अशीरा में इम्तिहान नहीं लिया, मैंने गदीर में इम्तिहान लिया। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावात से नवाजने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आखिरी सजदे का इम्तिहान, भाई बहुत खास तवज्जो माशाल्लाह आप दिलचस्पी से सुन रहे हैं। आखिरी सजदे में इम्तिहान और अजब इम्तिहान, बेदार रहिएगा। मैंने उस आखिरी सजदे का भी मस्जूद नहीं बदला। भाई मस्जूद तो मैं ही था, बकौल उसके सजदा मेरा ही कर रहा था ना। मैंने आखिरी सज्दे में मस्जूद नहीं बदला, बहुत खास तवज्जो। मैंने आखिरी सज्दे का मस्जूद नहीं बदला, बल्कि किबला डाइवर्ट कर दिया। सजदा मेरा ही था, मगर पैकरे आदम को किबला बनाया। तवज्जो है कि नहीं है। और इधर मैंने किबला बदला, अपने खलीफा का की ताजीम कराई, उधर काफिर के कुफर का पोल खोला। बेदार है कि नहीं है। तो मैं काफिर और मुनाफिक का पोल अपने से डायरेक्ट नहीं खुलवाता। जब कभी काफिर और मुनाफिक को पहचानना हो तो अपने किसी नुमाइंदे को बीच में लाता हूं, सारा पोल खुल जाता है। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत खास तवज्जो, ला इकराहा फिद्दीन। मैंने सजदे का हुक्म दिया, सब सजदे में गिरे वो ना गिरा, वो अकड़ के मेरे मुंह लग गया। जब इनकार सजदा किया तो मैं हर मुलजम को उसकी बात कहने का मौका देता हूं। अदालते इलाहिया सजी, इबलीस जो है मुलजम भी है, अपना वकील भी। अल्लाह जो है वो आदम का वकील भी है और जज भी। मुकदमा शुरू हुआ, मामना कान तस्जुदा समर्थक, ओ सर फिरे ओ पीरे नाबालिग, तुझे क्या हो गया था कि उसे सजदा ना किया जबकि मेरा अमर था। उसने कहा आना खैर मिन हो, मैं उससे ऊंचा हूं। खलकनी मिन नारी व खलकतहू मिन तीन, मुझे आग से उसे मिट्टी से पैदा किया। बस अजीजों मुझे उधर नहीं जाना है, तवज्जो का तारीफ हूं। अल्लाह फकत इतना कह के आगे बढ़ गया कि अब अवस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार किया, इस्तकबार किया, बड़प्पन दिखाया और काफिरों में से हो गया। ए अल्लाह मियां को डायरेक्ट पूजने वाले सुपर तौहीदियों, हमें कुरान में तो अलग ही मेयार नजर आया। भाई अब तक इबलीस अल्लाह ही को तो मान रहा था,
बेदार हैं कि नहीं है, मगर अल्लाह को भाई आप लाख काफिर और मोमिन किसी को कहें, कुरान यही बता रहा है कि जो अल्लाह के वली से बगावत करके जो डायरेक्ट अल्लाह को मानना चाहे वही काफिर है कुरान में, वही काफिर है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। बहुत खास तवज्जो अब इस जुमले में छुपी है, रूह है इबादत। जाहिरी सजदे रूह है इबादत नहीं है, जाहिरी अहकाम शरिया रूह है इबादत नहीं है, यह तहजीब बंदगी और डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन के लिए अहकाम शरिया फरिया हैं कि जो हकीकत में तकर्रुब इलाही का वसीला है, असल मकसद है कुर्ब इलाही रजाए खुदा। ये तकलीफें जो हैं इसीलिए जन्नत में साकित हो जाएंगी, तवज्जो है कि नहीं है। ये तहजीब बंदगी है, डिसिप्लिन सिखाने के लिए है, बेदार रहिएगा। लिहाजा जाने सज्दा जाने बंदगी या जाहिरी सज्दे नहीं है, ये अम्र खुदा है लिहाजा करना है, हुक्म खुदा है इसलिए बंदगी है। तो बच्चों बहुत खास तवज्जो, यहाँ पर बड़ा इंटेलिजेंट पॉइंट आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ जो असल में मेरी तकरीर को मोड़ने वाला है चंद लम्हों के अंदर। कि खुदावंद आलम क्या फरमा रहा है, इबलीस से अल्लाह ने यह शिकवा नहीं किया कि तूने सजदा नहीं किया, बल्कि शिकवा आगे बढ़ा, मा मनाअका अन तस्जुदा इस अमर तक, तुझे क्या हो गया था तूने उसे सजदा न किया, जबकि मेरा अमर था, मैंने कहा था। इसका मतलब जाने बंदगी सजदा नहीं है, बल्कि रूह है इबादत, हुक्म परवरदिगार है। बहुत अहम मंजिल पे लाना चाह रहा हूं गैर महसूस तरीके से, यानी जिस वक्त जो अमर खुदा हो वही जाने बंदगी है। अगर रातों को जाग जाग के नमाजें पढ़ना हुक्म खुदा हो तो रातों को नमाजें पढ़ना जाने बंदगी, और अगर हुक्म खुदा ये हो कि वही नमाजी रोज वाला आज नमाजें तर्क करके सो जाए तो बिस्तर पे सो जाना जाने बंदगी। सलावात और मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी जहमत दे रहा भाई, कभी आपने गौर फरमाया बेदार है कि नहीं है कि अली ने नमाजों में रजा का सौदा नहीं किया, बल्कि जब शबे हिजरत बिस्तर रसूलुल्लाह पे सो गए तो अल्लाह की रजा खरीद ली। भाई जहां जहां मेरा मजमा है तवज्जो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने अर्ज किया कि जाने बंदगी अम्र खुदा है, उसका इम्तिसाल हुक्म खुदा की इताअत, जो जिस वक्त हुक्म खुदा हो वही रूह है बंदगी, हुक्म खुदा हो मशीयत खुदा हो तो रातों को जाग के नमाजें जाने बंदगी, हुक्म खुदा हो तो वही नमाजें छोड़ के बिस्तर पर चादर तान के ठाट से सो जाना जाने बंदगी। भाई अली से बड़ा इबादत गुजार कौन होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम से किसी ने कहा आप तो सैयदुस्साजदीन, आपका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, हातिफ़े ग़ैबी ने आपको सनद दी, ए मौला चश्मे फलक ने आपसे बड़ा इबादत गुजार हो आबिद शब जिंदादार हो सज्दा गुजार तो न देखा होगा। इमाम सज्जाद के चेहरे और पेशानी के ऊपर शिकन पड़ गई, हो कहा खामोश हो जा, मुझे ये न कहे शायद तुझे मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब की कैफियत व कसरत इबादत व सौम व सलात व सजदे का शायद तुझे अंदाज़ा नहीं है, मेरा जद एक एक रात में हज़ार हज़ार
तकबीर खलबत तन्हाई से बुलंद करता था। रात रात भर तिलावत कुरान जिक्र खुदा कयामो कहूदो सुजूदो रुकू हो तस्बीह हो तमजीद हो तहलील हो तकबीर इलाही में मेरे जद की रातें बसर होती थी। यहाँ तक के कबले तुलू सफेद सहारी अगर जरा सा बिस्तर इस तरह हते मेरा जद जरा सा लेट भी गया तो फिर वो कर वो बेचैनी से करह की आवाजें निकलती थी कि अली ऐसा न हो कि तेरे हुदूद मम्लकत में कोई गरीब भूखा सो गया हो और तू बिस्तर पे आके लेट गया है। और कबले तुलू सफेद सहारी गुलदस्ते अजां पर यानी उफुक गुलदस्ते अजां पर माह अबू तालिब तुलू करके सितारा गाने फलक को मुखातिब करके कहता था कि है आसमान के सितारों गवाह रहना तुमने गुरूब न किया कि माह अबू तालिब तुलू कर गया। ऐसा मेरा जब था इबादत गुजार ए मुसलमानों तुमने कभी गौर किया शबे हिजरत का वाकया पढ़कर के इतने बड़े इबादत गुजार नमाज पढ़ने वाले अली ने नमाजों में अल्लाह की रजा नहीं खरीदी बल्कि जब शबे हिजरत रिदाए रसूल ओढ़कर फिराश मोहम्मद पर मुरसलाना शान से नबी की शान से जब सो गए तलवारों के साए में तब आयत आई वमिनन्ना से मैं यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में एक ऐसा भी है कि जो अपनी जान को बेच के अल्लाह की मर्जी खरीद लेता है। वल्लाह और रऊफुम बिलिबाद अल्लाह अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। भाई बहुत खास तवज्जो है कुरान रटने वालों कभी तुमने इस नुक्ते पे गौर किया कि इतने बड़े नमाजी सज्दा गुजार ने कि जो कभी रातों में सोया नहीं बेदार है कि नहीं है और शायद मेरे मौला को अल्लाह और रसूल ने एक रात शबे हिजरत बड़े ठाट से इसलिए सुला दिया हो कि कहीं नुसैरी का अकीदा पक्का न हो जाए। मैं कभी गौर किया कि इतने बड़े नमाजी ने नमाजों में रजा नहीं खरीदी बल्कि नींद में अल्लाह की रजा खरीदी। बहुत खास तवज्जो ऐ मुसलमानों अल्लाह ने अली ने नमाज में रजा नहीं खरीदी नींद में खरीदी। बस ज़बान अरबी में नमाज को कहते हैं सलाह और नींद को कहते हैं नौम। मैं अब भी ज़हन नहीं पहुंचा माशाल्लाह। अली ने सलाह में रजा नहीं खरीदी अली ने नौम में रजा खरीदी। अब किसी मुअज्जिन में दम हो तो शबे हिजरत देख के कहे आज कहो अस्सलातु खैरुम मिनल्लाह। नवाजी एक मिलजुल के बराए आजमत हैदर करार सलावा भाई बेदार है कि नहीं है। अली ने सलाह में रजा नहीं खरीदी अली ने नौ में रजा खरीदी। आज कहो अस्सलातु खैरुम मिनन्नाम अली ने अज़ा में घुसेड़े हुए झूठे फिक्रे को एक अंगड़ाई में रौंदा कि आज तो यही कहना पड़ेगा कि अन्नौम खैरुम मिनस्सला। आज तो नींद नमाज से बेहतर है तवज्जो है कि नहीं है। अली ने सलाह में रजा खरीदी वजह क्या है बंदगी जो है वो सजदे नहीं है नमाजे नहीं है। बंदगी जिस वक्त जो रजाए खुदा हो चाहे गर
चला कर जाए। भाई बहुत खास तवज्जो, नहीं नहीं बल्कि एक तरफ और घुमाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, चंद मिनट के लिए आपको एक लतीफ और इरफानी नुक्ते की तरफ, कि अगर रजाए खुदा हो तो सजदा जाने बंदगी, और अगर रजाए खुदा हो तो तलवार से गले काटना जाने बंदगी। नहीं नहीं तवज्जो नहीं फरमाई आपने, जब ऐलान खिलाफत आदम हुआ फरिश्तों ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, फरिश्तों ने कहा कालू वतजअलु फीहा मन यफसदु फीहा वयस्फिकु दिमा वा नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका वा नुक़द्दिसु लक, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, क्या ऐसों को बनाएगा जो फसाद करें, खूनरेजी करें, तलवार चलाएं, गला काटें, जबकि हम तो बड़े सेफ हैं, हम तो तेरे सजदे तेरी बंदगी तेरी हम की तस्बीह। फरिश्ते अब भी सजदे को जाने बंदगी समझ रहे हैं, अल्लाह ने तस्दीक नहीं की। बहुत खास बात है तवज्जो, कुरान से निकल रहे हैं ये फजाइल के चश्मे। अल्लाह ने तस्दीक नहीं की फरिश्तों की, हाँ हाँ तुम लोग तो सही कह रहे हो, बड़े सेफ हो, सजदे सजदे ले अल्लाहू अल्लाहू। फरिश्तों ने कहा ऐसों को बनाएगा जो गला काटे, तलवार चलाए, खून बहाए, यस्फिकु दिमा। तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह ने उनके एतराज का जवाब फत इतना दिया कि इन्नी आलमु माला तालमून, जो हम जानते हैं वो तुम मेरे सीधे साधे भोले भाले मासूम फरिश्तों, ये तुम्हारा टेंशन नहीं है ना तुम समझ पाओगे, मुस्तकबिल में इंतजार करो, हर हर तुमको जवाब इन्नी आला माला माला तालमून, हम तुमको मौके मौके पे एक घर और एक दर से देंगे। बेदार है कि नहीं है? फरिश्तों ने तलवार चला के गले काटने से वहशत का इजहार किया था, अल्लाह ने न हर तलवार का इनकार किया। भाई बेदार है कि नहीं है? न हर तलवार को रिकॉग्नाइज किया, न हर तलवार को कंडेम किया, ना अल्लाह ने यह कहा कि नहीं नहीं हाँ बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा ना होगा कि जो हाथ पर तलवार ले मेरा नुमाइंदा नहीं होगा, और ना ये कहा कि बस सब अंधाधुंध तलवार ही चलाते रहेंगे। भाई बेदार हैं कि नहीं हैं? इसका मतलब यह है फरिश्तों का जवाब देने में अल्लाह को किसी मोतबर हाथ पर एतबार था। भाई बहुत करीब ले आया, किसी मोतबर तलवार पर एतबार था। बेदार है कि नहीं है? तभी तो जिसे रहमतुल लिल आलमी बना के भेजा, उसने बड़ी बड़ी 63 जंगे लड़ी, मगर कमाल ये है रहमत आलमिया का कि हाथ में शमशीर नहीं है मगर जंगों का फातेह। भाई बहुत, मुझे पढ़ने की ताब नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल कुवत नहीं है, मगर आप मोहब्बत से सुन रहे हैं तो बात को पूरा कर रहा हूँ, वरना माहौल शुरू में था नहीं ऐसा कि मैं मजलिस पढ़ूँ, और जाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि हर मजलिस मैं ही पढ़ लूँ, मजलिस हो रही है जिक्र अहले बैत हो रहा है, कोई पढ़े मेरे मौला का जिक्र है, मौला भी महबूब, जाकिर भी महबूब, नौह खान भी महबूब, सामईन भी महबूब, जाहिर है कि हमारे अपने अपने सलीके इबारत अलग अलग हैं मगर हुस्न तो एक ही है जिसके सब परस्तार हैं, महबूब का महबूब भी महबूब होता है, लिहाजा आप सब महबूब हैं और आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, तो ये आपका शुक्रिया, एक सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अल्लाह ने ना हर तलवार को कंडेम किया, ना हर तलवार को सनद दी, अब एक रसूल भेजा के वमा अरसलना के इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो, देखिए जबर से दीन नहीं फैला है, वरना इस मुबल्लिगे आजम आखिरी रसूल को अल्लाह रहमत का मजहर ना बनाता, गजब का बनाता। बेदार है कि नहीं है? कब्जा शमशीर पे हाथ नहीं रखा, इतनी जंगे फतह की, फलसफा इसका क्या है? अगर अल्लाह मोहम्मद के हाथ में तलवार देता और गले काटते खून बहाते तो दामन रहमत पे खून के धब्बे अच्छे न लगते, दामने रहमत आलमिया की आबरू बचाने के लिए अल्लाह ने एक और इंतजाम किया, कहा मैं रहमान और रहीम भी हूँ
और मैं कहार और जब्बार भी हूँ, मगर मेरा अदल ये है कि मेरी रहमत आगे आगे। बेदार रहिएगा, कुरान में अल्लाह ने कहा सबकत रहमती गजबी, मेरी रहमत मेरे गजब से आगे आगे चलती है। भाई मोहम्मद को बता बनाया अपने रहमत का मजहर, अली को बनाया अपने कहर और गजब का मजहर। बेदार हैं कि नहीं हैं? अब मोहम्मद इसीलिए पहले आए, अली इसीलिए बाद में आए। अब जब मोहम्मद के पीछे पीछे अली चल रहे होते थे तो कुरान मुस्कुरा के कहता था कि सबकत रहमती गजबी, रहमत आगे आगे जा रही है, गजब पीछे पीछे। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मिलजुल के सलावात से नवाज दे। वो है रहमत का मजार, ये गजब का मजार। हुक्म हुआ जाहिदुल कुफार वल मुनाफिकीन, कुफार से भी जिहाद करिए मुनाफिकीन से भी। कुफार से जिहाद किया तो किसके सहारे? तलवार तो ली नहीं, इसके मतलब कोई ऐसा मोतबर हाथ चाहिए कि तलवार वो चलाए नामे आमाल में मोहम्मद के लिखा जाए। ए भाई क्या सुन रहे हैं? ये मोतबर हाथ अली का है, ये मोतबर तलवार अली की है। बेदार हैं कि नहीं हैं? फरिश्ते कह चुके कि कैसों को बनाएगा, क्या ऐसों को जो तलवार चलाए गले काटे खून बहाए। मैदान ओहद में अली की अपनी तलवार चल रही है, कसरत जरबा तो हमलात से अली की तलवार टूटी। तवज्जो है कि नहीं है? उधर आसमान पे बिजली कौंधी, आयत ने कहा वअंजलनल हदीद फीह बासुन शदीद व मनाफिउलिन्नास, हमने आसमान से लोहा नाजिल किया। ए भैया लोहा जमीन से निकलता है, वो कौन सा लोहा है जो आसमान से आया? फीह बासुन शदीद, इसमें घमासान की लड़ाई है। वह मनाफिउलिन्नास, मगर लोगों के नफे में है ये लोहा, नुकसान में नहीं। जुल्फिकार आई दस्ते मोहम्मद में, मोहम्मद ने अली को दी ये जुल्फिकार। अब अली जो है वो बिस्मिल्लाह कह के जो आगे बढ़े तो कभी मैमने में दर आए, कभी मैसरे में, कभी मैमने को मैसरे पे उलट दिया, कभी मैसरे को मैमने पर, कभी कलबे लश्कर में दर आए, फौजें भाग रही हैं, कभी पलट पलट के अपने हबीब व भाई मोहम्मद का हाल लेते हैं जो बेतलवार कलबे लश्कर में खड़ा है। मैं एक जुमला कहूँगा, या अली ऐसा बड़ा भाई मुबारक हो, तलवार लेके हैबत पैदा करना और है, अब बगैर तलवार के कलबे लश्कर में मोहम्मद की तरह खड़ा रहना और। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई अख्तितामी मरा है माशाल्लाह। अली की तलवार चल रही है, सर बरस रहे हैं, तन फड़क रहे हैं। इसी मौके पर मौलाना तूसी साहब जिन्होंने बेहतरीन मसाइब पढ़े, उनके दादा मौलाना कैस जंगीपुरी फरसदक हिंद पहाड़ पर बताते हैं यही मंजर कि ओहद में कोई पहाड़ पर है नबी का सीना से पर है कोई, ओहद में कोई पहाड़ पर है नबी का सीना से पर है कोई। हम हजार दावे हो दोस्ती के, जिगर जिगर है, दिगर दिगर है। खिंची खिंची खिंची। भाई टाइम नहीं है मेरे पास,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ ले सलावात अगर दिल चाह रहा है, पढ़ ले सलावात। खिची जो मैदान में तेरे हैदर पुकारे काफिर लरस लरस कर, ये एक बरके जलाले दावार सरों पे गिरती किधर किधर है। अब बनी है शमशीर शाह वाला कजाए मुबरिम का एक हाला, और जिधर जिधर देखते हैं काफिर अजल की सूरत उधर उधर है। और अजब इल्हामी शेर है कि उठा है तूफान कहरे दावार, उठा है तूफान कहरे दावर, फड़कते हैं तन बरसते हैं सर, कजा का पानी गले गले है, लहू का दरिया कमर कमर है। इसी असना में अली की तलवार चल रही है, किसी को पहलू से मारा तो कमर से दोनी, किसी को सर से मारा तो अदल के साथ दो टुकड़े, इस एहतियात के साथ के जमीनों गावे जमीन चिर जाए। तवज्जो है कि नहीं है भाई? उफुके उफुके अर्श से मलाइका अपनी मासूम जबीने झुकाकर मैदान ओहद की जंग का मंजर इस्तेजाब और हैरत के साथ देख रहे हैं कि मशीयत ने फरिश्तों की नजर में नजर डाली और कहा, ऐ मेरे फरिश्तों कैसी लगी मेरे हाथ की सफाई। तो भाई आप वैसे सुन नहीं रहे हैं, तवज्जो है क्या नहीं है? ये फरिश्तों ही से अल्लाह क्यों मुखातिब है? कैसों को बनाएगा? फरिश्ते हैरत में, हैरत और ताज्जुब में, दादो तहसीन के अंदाज में अंगुश्त बदंदा मैदान ओहद का मंजर देख रहे हैं। अल्लाह ने कहा, कैसी लगी मेरे हाथ की सयाफी, जरा देखो तुम मेरे हाथ का हुनर, तलवार भी मेरे यहाँ की है, हाथ भी मेरा, और जरा देखो तो कमाल एहतियात के नस्लों का सुलबों में जायजा लेके मार रहा है। ये किसी शैतानी दरबार का सफुल्ला नहीं है कि जो अंधाधुंध मारे नस्लों में जायजा ले रहा है कि सुबह कयामत तक अगर किसी मुकाबिल काफिर की सुलभ में एक भी मोमिन अमानत की रमक झलक रही है तो सर के करीब आके तलवार हट गई, इसलिए कि कुल्ले ईमान है कि अपनी अमानत को जाया कर दे। कुल्ले ईमान है, देखो तो फरिश्तों भाई साइंस सारे उलूम साइंस के जमा हो जाएं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो तैयार कर लेंगे कि बतने मादर में जनीन का जेंडर बता दें कि मेल है कि फीमेल, बच्चा है कि बच्ची, नर है के मादा, मगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा कायनात के ओकला और साइंसदान नहीं तैयार कर पाए जो बतने मादर में बच्चे का अकीदा बता दे। ये ज़ुल्फ़िकार अली, भाई बड़ी मोहब्बत है, तमाम करने वाला हूँ बात। अल्लाह ने कहा, जरा देखो तुम मेरे हाथ की एहतियात, कितना सेफ है ये हाथ। तो फरिश्तों से अल्लाह ने कहा कि आज मैं कसीदा नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो कभी शोभा नहीं था, अरे तुम ही तो खदशा था कि क्या ऐसों को बनाएगा। तो मजा तो जो है कि जिन्हें शक था वही कसीदा पढ़े, तो जिब्राइल आगे बढ़े उफ़ुक़े ओहद पर और कसीदा पढ़ा, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, सलावात पर मोहम्मद। Yeah!
मैं क्या अर्ज करूं कि बेवक्त की शहनाई शायद हो रही है, दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और बस जल्दी ही बात को तमाम कर रहा हूँ। आपने दिलचस्पी से सुना तो मैंने ना ताकती और ना तवानी में भी इतना आपको सुना दिया, इसलिए कि मौला ही कुव्वत देने वाले हों। मुसलसल सफर है, बहरहाल चंद लम्हे हैं और ज़हमतें तमाम हैं कि मैदान ओहद में अल्लाह की तरफ से, हाथ भी अल्लाह का, तलवार भी अल्लाह की तरफ से, अमीन वही कसीदा पढ़े। न कोई जवां, न कोई फतेह है अली का जैसा, न कोई तलवार है ज़ुल्फ़िकार की जैसी। ए मुसलमानों, अब समझ में आ गया इस हाथ का एतबार? भाई जरा मेरे साथ, मैदान खंदक में भी जब आम्र के सर पे ज़रबत मारी, अल्लाह अल्लाह और रसूल के लिए अली ने मारी ज़रबत, तो अल्लाह ने कहा ऐसा है बे मा यंतको अनिल हवा, जिसके होठ हिले तो कुरान बन जाए, दे दे सनद। इधर अली ने जरबत मारी अम्र के सर पर, उधर हुक्म खुदा से साहेब मा यंतको अनिल हवा, जिसके दहन पर वही के पहरे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जरबत अली यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन इला यौमिल क़ियामा। सुन ले आ गई है बात। खंदक के दिन अम्र के सर पर अली की एक ज़रबत अफजल है, वजनी है, भारी है, ऊपर और नीचे सकलैन की तमाम मखलूकात की सुबह कयामत तक की इबादतों से ज्यादा वजनी। मीज़ान अदालत खुदा के एक पल्ले पर वजन इबादत सकलैन, एक पल्ले पर ज़रबत अली। अली की ज़रबत वजनी है, इबादत सकलैन हल्की है। जिसका एक हाथ ऊपर से नीचे आ जाए, अली का हाथ ऊपर से नीचे आ जाए, ये अंबिया के सजदों से ऊंचा है, तो उसका सजदा कैसा होगा? भाई तमाम है बात। अब दो जुमलों की इजाजत और इशारे समझने वाले तवज्जो। ऐ मुसलमानों, ओहद और खंदक से तुम समझ गए कि अली कितना मोतबर है, कितना हाथ मोतबर, कितनी तलवार मोतबर। तो आए अहमको, अगर अली का एतबार हाथ का तलवार का समझ गए तो बहुत समझ बूझ के अपने किसी बुजुर्ग के कत्ल का इल्जाम तमाम है बात। बस इशारे इशारे ही कर सकता हूं। अली के हाथ का ये दहशतगर्दी तुम्हें मुबारक। यहाँ तो ऐसा कातिल है कि मकतूल की बहन कातिल का कसीदा पढ़े। अम्र की बहन, वक्त नहीं है। तो आए आए हासिदो अली के, जिनके मैदाए निफाक से फजाइल अली हजम नहीं होते। इधर अली की फजीलत भाई, इधर 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 अली की विलायत की पुरवाई चली, उधर ओहद ओ बद्रो हुनैन ओ जमल ओ सिफीन ओ नहरवान में ज़रबे खाए हुए अली की, ज़ुल्फ़िकार की चोटे खाए हुए वो मक्तूल, जिनके नुत्फों में आज भी बड़ी दुखन होती है जब अली का नाम आए। यहाँ से लेकर मक्का और सऊदीया और कतर और तक और इसराइल खैबर के भगोड़े शिकस्त खुर्दा, नाम अली आया के नुत्फों में दुखन हुई। ऐ मुनाफिको, तुम्हें मालूम है कि यह कितना मोतबर हाथ है, कितनी मोतबर तलवार है। तो अपने किसी बुजुर्ग कितना भी मोहतरम हो, उसके कत्ल का इल्जाम अली पर सोच समझ के लगाना,
अली का नुकसान नहीं होगा, मरहूम का नुकसान हो जाएगा। सलावात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा समझदार मजमा। मुनासिब यही है कि मुझे तशरीह करने पे मजबूर ना करें, वैसे मैं करता भी नहीं हूँ। एक सलावात पढ़ दें अगर सब समझ गए हैं। माशाल्लाह, बस दो ही चार फिक्रे हैं भाई अजीज लोग। अली पर अपने किसी बुजुर्ग के कत्ल का इल्जाम लगाने से पहले देख लेना कि नफ्सुल्लाह है, नफ्स रसूलुल्लाह है, हाथ भी अल्लाह का है, तलवार भी अल्लाह के यहाँ से है। भाई बहुत बेदार, अली पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना, वजह बता दे क्या है। इस हाथ की गारंटी तो अल्लाह ने ली है, तुम्हारी किसी गर्दन की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है। इस हाथ की गारंटी तो अल्लाह ने ली है, तुम्हारी किसी गर्दन की कोई गारंटी अल्लाह ने नहीं ली है। बहुत सोच समझ के इल्जाम लगाना, क्योंकि बज़बाने रसूल अली का एक लकब ये भी है कि या अली अंत कातिलुल मुशरिकीन वल काफिरीन वल मुनाफिकीन। अली पे सोच समझ के इल्जाम लगाना, वजह बता दे क्या है। अगर अली की तलवार ने किसी को चीर दिया तो यह तलवार मकतूल के अकीदे का फैसला करती है। क्या सुन रहे हैं भाई? यह तलवार मकतूल के अकीदे का फैसला करती है। यह कभी सर के करीब आके हट गई तो यह इल्म अली की मजबूरी थी। अगर चीर दिया तो समझ लो, लिहाजा सोच समझ के। और अगर कोई इस वक्त का समझदार मुल्ला कहे नहीं नहीं बिल्कुल ला हौला वला इस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अतूब इलैह, हज़रत अली करम अल्लाह वजह से ऐसा हो नहीं सकता, बड़ी दोस्ती थी, वो फला फलूल के कहाँ से कातिल हो सकते हैं, तो हम कहें ऐ मुल्ला तू बड़ा सयाना है, तू तो खतरनाक बात समझ गया कि मरहूम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मगर हमें यह बता कि फिर सिफ़ीन और जमल किस बहाने से लड़ी गई थी। तो तुम मुल्ला इतने काबिल हो, अमा वो कितने जाहिल थे और जाहिल थी कि जो मकाम अली न पहचान सके। बस अजीजों तमाम है बात, लिहाजा इतने मोतबर हैं कि रजाए खुदा के खरीदार, अब तुम अल्लाह को डायरेक्ट राजी क्या करोगे। अमा जब तक अली और जहरा राजी नहीं है, अल्लाह राजी नहीं। इसलिए कि शौहर वो जो रजा का खरीदार, जौजा वो के जिसका गजब अल्लाह का गजब, जिसकी रजा अल्लाह की रजा। बुखारी में भी तवज्जो है कि नहीं है। अब तुम लाख रजे अल्लाह हो अन हो कहा करो। देखो हम पहले ही दिन से मना कर रहे थे कि ना अहलों को इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल ना दो, वरना बहुत खिसियाओगे। मगर तुम बदसौक न माने हमारा कहना, हम तो राफिजी हैं, हमारी हल बात तो है उल्टी लगती है, और तुम्हारी जाहिल आवाम को तो हम समझा नहीं पाते, और तुम हमेशा जहर घोलते रहे। तुमने रज़े अल्लाह की औकात इतनी गिराई कि तुम्हारे मुल्ला झींगुर ने, जाकिर नालायक ने यजीद को भी रज़े अल्लाह बना दिया। भाई दो तीन जुमले इजाजत के साथ, दो तीन जुमले इजाजत के साथ। अब तो कहा ही जाएगा कि घंटे से ऊपर हो गए, तो फिर जब सभी ऊपर जा रहे हैं तो ये भी हक रखता है एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर दो चार मिनट मिलजुल के एक सलावात पढ़ा दें, जैसे लगे कि आप जो हैं वो नाराज नहीं हैं। एक सलावात बुलंद आवाज से पढ़ दें। जाकिर ना का जुमला सबको मालूम है, दो तीन जुमले हैं उसके ऊपर बात खत्म है, बिल्कुल मुख्तसर मसाइब। आप हक़ गिरिया अदा कर चुके, न मुझ में ताब है न वक्त है। यही दोस्त ने कहा था आप उठा के देखें उसकी तकरीर, वो अंग्रेजी बहुत बोलते हैं, देखता है कि किसी ने पीपे में गुम्मे भर के हिला दिया।
उनका एक जुमला है कि यजीद में अल्लाह बी प्लीज विद हिम वाज ऑन राइट बट द रॉन्ग हिस्ट्री ब्लेम्ड हिम रॉन्गली। यजीद में अल्लाह बी प्लीज विद हिम यानी यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु सही रास्ते पर था, सही राह पर था वो अपने मौकिफ में, मगर गलत तारीख ने उसे गलत अंदाज में मौरिद इल्ज़ाम करार दिया, उस पर गलत तारीख ने गलत उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कत्ल हुसैन का मुजरिम था। भाई तवज्जो है कि नहीं है या वगैरह वगैरह। दो शहजादों की जंग थी और रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह उससे राजी हो। देखा आपने मेयार कहाँ पे आया, जब ये ज़ाकिर नायक रज़ी अल्लाह अन्हु यजीद के लिए कहा तो उलमाए शिया हिंदुस पाकिस्तान और पूरी दुनिया में तो खफा हुए। उलमाए बरेवलिया ने पाकिस्तान और इंडिया के तो ज़ाकिर नायक के कुफ्र का फतवा दे दिया और उसको बहुत से शहरों में नो एंट्री करा दी। सब है आपको मालूम, लेकिन मेरा ज़रा सा रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है भाई। बस सुन ले दो जुमले। हर एक ज़ाकिर नायक से नाराज, मगर मैंने कहा कि भाई ज़ाकिर नायक थैंक यू, तुमने यजीद के जैसे बदकार शारिबुल खम्र जुआ खेलने वाले तमाम है बात भाई, बड़ी माजरत, कातिल फरजंद पैगंबर जन्नत के सरदार के कातिल निकाह महारिम करने वाला फूफियों से निकाह करने वाला वही हो वही हो वही हो खबर है। ये बच्चा बिल्कुल अपने बाप पे पड़ा था, एक सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बिल्कुल सही औलाद था। ऐसे बदकार ऐसे जुआकार ऐसे शारिबुल खम्र ऐसे वहियो खबर और कुरान का मजाक उड़ाने वाले दाखिले दुष्नाम जिसका नाम ही गाली बन गया, ऐ ज़ाकिर नायक बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने ऐसे बदकार को लकब रज़ी अल्लाह देकर वफात रसूलुल्लाह और करबला के बीच 50 साल की कितनी गुत्थियां सुलझा दी, और हमको तुम्हारा मिजाज रज़े अल्लाह ही मालूम हो गया कि तुम माजी में कैसे कैसे किरदारों को ये लकब। भाई तमाम है बात, एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है, कैसे कैसे किरदारों को तुम लकब रज़ी अल्लाह देते चले आ रहे हो और हम शियों का कोई नुकसान नहीं है। ये तुमने अपने मकतबे सकीफा का नुकसान कर लिया। हम शियों को यजीद को रज़ी अल्लाह को या उससे भी बदतर किसी आदमी को कहो, हमें इसलिए बुरा नहीं लगता कि यहाँ कोई रज़ी अल्लाह है ही नहीं, यहाँ सब अलैहि सलाम है। यहाँ सब अलैहि सलाम है। तो आओ आए मेरे भोले भाले सुनियो, जो 1400 साल से मेरे भाइयों जिनको तुम्हारे मुल्ला खेलते चले आ रहे हैं तुम्हारे अकायद से, यहाँ तक कि यजीद को भी तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन बना दिया, रज़ी अल्लाह बना दिया। आओ ज़ाकिर नायक की टाई पकड़ के खींच के उससे सवाल किया जाए, हम दोनों शिया सुन्नी, तुम्हारे मुल्लाओं ने तो बंटवारा कर दिया है ना 1400 साल से, कि अहले बैत जो है शियों के हैं, साहबा आजवाज तुम्हारे हैं। ये बात और है कि जब सैतनिक वर्सेस जो सलमान रुश्दी ने लिखी उसमें आले मोहम्मद को कुछ नहीं कहा गया है, उसमें साहबा आजवाजी को कहा गया है, और तुम बेहयाओं का तब भी बुरा ना लगा, फतवा दिया तो उसी तारीखी काफिर ने जो अबू तालिब का वारिस है। चलो आओ हम तुम्हारा साथ देते हैं, ज़ाकिर नायक से पूछा जाए बहुत खास दो जुमले। ऐ ज़ाकिर नायक रज़ी अल्लाह, व्हाट डू यू मीन, क्या मकसद है तुम्हारा? हम कातिल फरजंद रसूल शराबकार बदकार बनी उमैया का बदकार लौंडा भी रज़ी अल्लाह, और हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक और बड़े बड़े सहाबा भी रज़ी अल्लाह। ए ज़ाकिर नायक, क्या तुम्हारी नजर में वो बड़े बड़े सहाबा और यजीद क्या तुम्हारी नजर में बराबर हैं? अमा अमा कुछ तो फर्क करो, इतनी तौहीन तो हम भी नहीं करते। सलावात अल मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहब्बत है आपकी, बिल्कुल ना साजगार हालात में आपने संभाला है, बीवी आपको जजा दे, एक मुरादें आपकी पूरी हो, एक सलावात से नवाज दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
बस तमाम है वाह। भाई रसूल अल्लाह के बुजुर्ग ससुर यार गार, भाई कुछ तो बातें माननी पड़ेंगी भाई, रिश्तों से इनकार थोड़ी ना है। ये बात और है कि हर रिश्ता मोहतरम नहीं, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ तो ख्याल करना पड़ता है ना, है कि नहीं है। तो तुम्हारी नजर में वो भी रज़े अल्लाह और बनी उमैया का बदकार लौंडा भी रज़े अल्लाह। ए भैया कुछ तो फर्क करो, अब बताओ तौहीन सहाबा कौन करता है? हम 1400 साल से हम शरीफ शिया ने अली पे इल्जाम लगा रहे हो, हम इतने शरीफ और उसूली हैं कि कातिल को भी बस उतना ही कहते हैं जितना है। और कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, हम गड़ गड़ के इल्जाम नहीं लगाते, तुम तौहीन सहाबा करते हो, कुछ तो फर्क करो और लाख रज़े अल्लाह कहा करो। हम जिससे मादरे हुसैन राजी उससे अल्लाह राजी, भाई यही सबब है कि जिनको अल्लाह के राजी होने में हमेशा खतरा रहा वो मैदानों से भागे गला कटाने से। भाई अल्लाह राजी है तो मर जाओ, तवज्जो है कि नहीं है। और उन्हीं की नामुराद औलादे, ये अल्लाह मियाँ के पड़ोसी, ये सुपर तौहीदी है जिनकी जाहिरी अदाएं इस्लामी और काफिरों से भी बदतर। अब सऊदीया के लिए इससे बड़ी रुसवाई क्या होगी कि काफिर भी दुनिया के कह रहे हैं कि बहुत बुरे बुरे लोग हैं। अब समझ में आया, इसीलिए आले मोहम्मद ने मजलूमियत को असलहा बनाया, इसीलिए शहीद ने मजलूमियत को असलहा बनाया। वो शहीदन बाकरुन निम्र हो, आयतुल्ला निम्र हो आज का शहीद, या वो आज भी अब ये 400 साल पहले का शहीद, बातिल की आंखों में आंखें डाल के ऐलान तवल्ला भी करके गए, ऐलान तबर्रा भी करके गए। खुदा रहमतें नाजिल करे इस मजार को दुनिया के जायरीन से रूशनास कराने वालों, नासिरुल मिल्लत अलैहिर रहमा अमीर हामिद हुसैन हिंदी और उनके फर्जंदगान नासिरुल मिल्लत के सईदुल मिल्लत और नसीरुल मिल्लत अलैहिमर रहमा के जिनके मदफन भी यहीं शहीद के जवार में हैं। ये हमारे लिए सबक हैं, ये हमारे लिए मिशअले राह हैं ऐसे शहीद कि हमने दुनिया में देखा बड़ा आलिम है तो शुजा नहीं होता, बुजदिल होता है। हमने देखा कि बड़ा बहादुर है तो आलिम नहीं होता। ये कायनात के माहो साल के तजरबात की भट्टियों में तजरबात के बाद ये माहरीन नफ्सियात ने तस्लीम कर लिया कि इल्म और शुजात दो मुतजाद सिफतें, जो दो कंट्रास्ट एट्रीब्यूट्स हैं, जो एक जात में एक साथ अपने कमाल पर जमा नहीं होते। वो कायनात में सबसे ऊंची जात है अली, कि जितना बड़ा आलिम है उतना ही बड़ा बहादुर। बस तमाम है बात। और उस अली के ये वर्षादार हैं, माशाल्लाह तमाम है बात। बस तमाम है बात अजीजों, बहुत बहुत शुक्रिया, खत्म ज़हमत है। ये उलमाए अबरार, ये फुकहाए दहर, ये रब्बानी मुज्तहदीन, ये शुहदाए मिल्लत जाफरिया, जो पाकिस्तान हो या सीरिया हो या यमन हो या दमिश्क व शाम हो या दुनिया में कहीं भी हो, जरा देखो तो इनकी शुजात। ये वर्षादार अली है के वक्त का जितना बड़ा आलिम था उतना बड़ा बहादुर। और
वरना मुनाफिकीन मुल्लाओं के झुरमुट में इल्म की धौंस ये थी कि हमेशा चार फिकों से फैसला देना होता था, फिक हनफी या मालिकी या हम्बली या शाफेही। कमाल नबूगत इल्म और एहाते इल्मी शहीद का ये था कि फैसला फिक जाफरी से करते थे, और जब कोई नासेबी मुल्ला शुभा करके एतराज करे तो उसकी फिक के मुताबिक उसी को साबित करके दिखाते थे। अस्सवारिमुल मुहरिका उनकी किताब इब्ने हजर अस उसकी किताब के जवाब में एहकाकुल हक जो आखिरी किताब तकिये के हालत में, इल्म का कमाल यह है कि बड़े बड़े उलमा नालायन बर्दारी भी न करने का की हैसियत रखें, और शुजात यह है कि माफी नहीं मांगी। भाई बेदार है कि नहीं है? वो आयतुल्लाह निम्रो या आयतुल्लाह शहीद ज़ियाउल्लाह नूरुल्लाह काजी शुस्तरी हो, हम तो इतना कहेंगे कि नामर्दों की तरह से खलवतों में कत्ल के फतवे देने वाले और बनी उमैया और बनी अब्बास के दरबारों में तवायफों की मानिंद परवान चढ़ने वाले जमीर फरोश मुल्लाओं, ना मर्दों की तरह निहत्तों का गला काटना और है। अगर बहुत बड़े हलाल ज़ादे और मर्द थे तो एक तलवार शहीद के हाथ में देते, एक तलवार तो लेके आ जाते। तो हम देखते बड़े मर्द हो। बस अजीजों सहमतें तमाम हैं, मगर तुम भी ना मर्द हो, और तुम्हारे अजदादे बनी उमैया भी ना मर्द थे। देखो सऊदीया में तुम्हारे ना मर्द बैठे हैं जो ऐशो इशरतो शराबो शबाबो कबाब के नशे में धुत बनी उमैया और बनी अब्बास के मजालिम और बदकारियां भी जिनसे शर्मसार हैं। ये सिलसिला पहुंचा है, अरे अली के दर से हटने का नतीजा ये है कि जानी अमीरुल मोमिनीन बने हुए हैं। अबू बकर बगदादी 1400 साल से समझ में आ नहीं आ रहा है, ये भी मशीयत का एक तमाचा है कि न किरदार बदलेगा न नाम। अब भी समझ में आ जाए सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस खत्म है बात। ये वो शुहदाए राहे हक हैं, हमसे और अहले बैत के दरमियान बड़ा फासला हो जाता, शायद हम में बहुत से कम मालूमात वाले शिया शायद हक से बदगुमान हो जाते। हम उलमा और बल्कि तालिबे इल्मों और ज़ाकिरीन में कहाँ इतना दम है कि हम करिया करिया पहुँच के एक एक के आमाल और अकायद को सही करवाएं। ये तो उनकी इज्जत और उनकी शहादतों और उनकी तहार तो यकीन हो जाता है कि अहले बैत कैसे होंगे। बस अजीजो खत्म कर दी जहमतें, ये वो शहीद है, ये वो शहीद राहे हक है कि जिसमें न खौफ था न कोई रोब था न दबदबा था। एलाए कलिमे हक दरबारे बातिल शराफार जहांगीर में करके गए, और वो जरफरो जमीर फरोश मुल्ला के जिन्होंने फतवे इनके खिलाफ दिए थे, आज एक फातिहा कैसा, अरे मुस्तहिक गाली हैं। ये तो हम शियों का अदब है कि हम लानत तो पढ़ते हैं गाली नहीं बकते। ये वो शहीद था कि जिसने ऐसा मजबूत अपने खून से नींव की है मजहब अहले बैत की कि आज भी उस
अल्लामा हिल्ली का जवाब देने वाले उस बदतमीज फजल इब्ने रूज़बहान की इब्तालुल बातिल किताब की रद एहकाकुल हक ऐसी लिखी कि मुल्ला हसन मुजफ्फर ने फिर एक किताब उसी तरह की जवाब की लिखी उस बात उस नासिबी की जिसका नाम दलाइलुस सिद्क रखा, मगर उन्होंने हाथ जोड़ के ये कहा कि शहीद काजी नूरुल्लाह की बारगाह में बेअदबी नहीं करना चाहता, इसलिए किताब नहीं लिखी है। गए मुकाबला ये सुने इस आलिम की जलालत, अल्लामा हिल्ली का तो नाम सुना है, अरे शेख हसन मुजफ्फर दलाइलुस सिद्क में लिखते हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा फजल इब्ने रूज़बहान का जिसने हिल्ली की रद लिखी। वो कहते हैं कि अगर अल्लामा हिल्ली खुद आ जाए दोबारा तो वो भी वैसी रद नहीं लिख सकते जैसी शहीद ने लिख दी है। थोड़ी मारिफत हासिल हो जाए आपको, इसलिए कह रहा हूँ ये कौन है, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हमारी जाने फिदा ऐसे शोहदा के ऊपर कि जब मना रहे हिदायत बने हुए हैं। अरे हर मुसीबत को मुस्कुरा के बस तमाम है बात। अजादारों कोई मुसीबत बची नहीं तो शहीद ने बर्दाश्त न की हो, क्योंकि हुसैन के चाहने वाले थे उन्हीं की नस्ल में भी थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल में, हुसैन की नस्ल में, तो तमाम अपने अजदाद बुजुर्गों की मुसीबत में ये शहीद शरीक हुआ। यहीं पे मजलिस तमाम है, मैं किसी और तरफ तफसील में नहीं जाऊंगा। बस आज़ादारों ये हर मुसीबत में शरीक है क्योंकि इसे मालूम था कि आले मोहम्मद असीर हुए तो असीरी की मुसीबत में भी अरे शहीद भी जिंदाने पुर तशद्दुद में रहे। नासिबी मुल्लाओं की दुश्मनियों के बावजूद आप सोचे कैद खाने में क्या आलम होता होगा, यक्का तनहा आलिम के जो रातों को सोना तर्क करके किताबें लिखता था। दरबार में जब हक व बातिल का फैसला, तो एक बार एक ठीकरे पे लिख के भेजा रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, परवरदिगारा मैं मगलूब हूं, मुझे दबाया जा रहा है, मेरी मदद कर। वापस आया के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून, समझ गए कि अल्लाह बुला रहा है। बरमला अकीदे का ऐलान किया। सुनो आज़ादारो, अरे गुद्दी से जबान खींची गई, मैं कहूंगा शहीद मुबारक हो, मीसम तम्मार की मुसीबत में भी शरीक हो गए। बस मजलिस तमाम है, दो फिक्रे ताजियाने खारदार। अभी रात में कल मैं किताब में कल पढ़ रहा था कि ताजियाने इतने मारे गए इतने शल्ला के जिस्म का गोश अलग हो के गिरने लगा। मैं कहूंगा ए सैयद सज्जाद के मातमदार, सज्जाद पे भी ताजियाने बरसते थे पीठ जख्मी, तो के खारदार का जख्म मदीने तक रहा। तभी तो जो दौड़ के मोहम्मद हनफिया लिपटे तो तड़प के कहा चचा हाथ हटा दीजिए। बस मजलिस तमाम, एक फिक्रा आखिर में, गला काटा गया शहीद का, 60-65 साल की उम्र। मैं कहूंगा आए मजबू है बिलकफा के मातमदार, अरे आए मेरे शहीद, अरे हुसैन के मातमदार, जरा आके देख हुसैन का गला बस एक गर्दन से शहीद हो रहा है। बस अब हाथ जोड़ के यहाँ तक तो बराबर बराबर, मैंने देखा बर मिसालें हैं, मगर हाथ जोड़ के शहीद गुजारिश ये है कि आपका गला कटा किसी जवान का जनाजा तो नहीं उठाया,
किसी शशबाहे का जानाशा तो हाथ पे तीर तो नहीं लगा, किसी पामाल भतीजे का जनाजा तो नहीं उठाया, अरे भांजों के जनाजे, अरे बराबर के भाई के हाथ तो नहीं कटे। बस शहीद एक जुमला और, आप शहीद हुए, बाज में बीबी की बेहुरमती तो नहीं हुई। आओ मैदाने करबला, इधर सरे हुसैन कटा, उधर खैमों में हार, नबी जादियों के सर से रदाएं, ताजियत की जगह सकीना के तमाचे, तसलियत की तरह की जगह बिस्तरे सज्जा, अरे शामो कूफा की असीरी, ए शहीद इज्जत के साथ बच्चे तो पहुंचा दिए गए वतन, मगर जब हुसैन के घर वाले आए तो बच्चे तो बचे नहीं थे, मगर बीवी आती, इसीलिए उम्मे कुलसूम ने कहा मदीना जद्दना ला तकबलीना, ए नाना के शहर मेरी आमद कबूल न कर।